अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मानिशा व्लॉग्स। आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, पाकिस्तान इंडिया का मैच है न्यूयॉर्क में। जी हाँ, मैच की तैयारी हमने भी करनी है, आपको मैच दिखाएंगे हमारे साथ कि किस तरीके से हम एंजॉय करते हैं पाकिस्तान इंडिया का मैच। अभी आपको दिखाते हैं जो हमारी टीम है उसकी क्या पोजीशन है, उसकी क्या प्रिपरेशन है, हमारी जो टीम है वो कितनी एक्साइटेड है आज के मैच देखने के लिए। खजर भाई गड्डी बह के मैनू हरन मार रहे हैं, जल्दी कर, थोड़े हरन मार की हो गई। असं हम जा रहे हैं डम जाट, थोड़ा कच्चा सटेंगे और उस तो बाद इंशाल्लाह असं जावांगे अपनी शॉपिंग करने लिए। अभी हम जी पहुंच गए हैं एलडी, यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी है। जैसे कि बताया था कि मैच की तैयारी जो है, बड़ा मैच है, बड़ी तैयारी है। एलडी हमारे घर के एक साथ है, वहाँ पे मैं आया हूँ। मैच शुरू होने में अभी तकरीबन 45 मिनट्स बाकी हैं। उम्मीद है कि मैच शुरू होगा तो हम उससे पहले पहुँच जाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत पार्किंग का मसला लग रहा है। पार्किंग यहाँ पे, आज संडे है जैसे कि सारे लोग शॉपिंग करते हैं संडे को ही, और आज पाकिस्तान का मैच है तो काफ़ी लोग जो हैं वो अपने दिन की शॉपिंग पहले करने आ गए हैं। अलग अलग शॉप कोई पार्किंग की जगह मिल जाए ताकि शॉपिंग करके तो मैच देखने के लिए हम जाएँ। पार्किंग मिल गई है जी, अभी चलते हैं अंदर, एक बास्केट ले लेते हैं ताकि चीज़ें लेने में आसानी हो। इतना कंफ्यूज हो, समझ नहीं आ रही क्या लेना है क्या नहीं लेना। मैच का प्रेशर मुझे अभी से फील हो रहा है, अल्लाह रहम करेगा इंशाल्लाह। दूध पहले ले लेते हैं, अगर मैच फंस गया तो चाय जो है वो आपको पता है काफ़ी हेल्पफुल होती है। दही लेनी है, दही किधर? अभी दही पकड़ते हैं जी। हमने दही भी ले ली है, अब कुछ चिप्स लेने आ लेते हैं। सॉरी यार, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लेना है, कहाँ से लेना है, चीज़ें कहाँ पड़नी है। लगता है ये आ चुके हैं अपने हम चिप्स वाले सेक्शन पे। ये चिप्स, ये तो कुछ और चीज़ है, ये हैश ब्राउन है। इधर जा, इधर जा ना, इधर है। ये पड़े, ये मिल गई, मिल गई, मिल गई। लो जी चिप्स मिल गए ने, अरे थोड़ा भला हो जाए यार, ये ठीक होते ना खिजर? हाँ ठीक है, ये क्या ठीक है, पनीर मिल गया मैंने, आइसक्रीम भी ले से? हमने एक लिया जी कर्ली फ्राइज और एक लिया नॉर्मल, इनके दो दो पैकेट ले लेते हैं। बड़ा मैच है, बड़ा मुकाबला है, बड़ी तैयारी। देखो तुम कितना एंजॉय कर, और लोग कितना एंजॉय करेंगे। शॉपिंग की पूरी हो गई, अभी पे करते हैं, निकलते आज नहीं नहीं कुछ जरूरत नहीं 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 चिप्स ले चुकी है, अगे बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। अब देखना है कौन सी टिल है जिस पे कम क्यू है, हम वहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे लगता है एक मैं ही हूँ एक कस्टमर के बाद। हमने बनाने हैं दही भले, बिरयानी ऑलरेडी आपको पता है कि लाजम होती है मैच डे पे, इससे हमारे खिलाड़ी हेल्दी होते हैं। शॉपिंग सारी मुकम्मल हो गई है, आप पे करते हैं और दुआ करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पहले टॉस जीते, टॉस जीतेगा तो उम्मीद है कि शायद पाकिस्तान मैच जीत सके, वरना कोई चांस नहीं। पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में इतना अच्छा नहीं है, मुझे देख के बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। ओके okay.
slightly freed me. Thank you very much. Thank you very much. Cheers. शॉपिंग मुकम्मल हो चुकी है जी, बिल भी मेरे हाथ में है। अभी हम घर जा रहे हैं और मैच की जो है वो तैयारी घर में शुरू करते हैं। देखते हैं घर में उस्मान भाई क्या कर रहे हैं और लोग क्या कर रहे हैं। मैच अभी 35 मिनट रह गए, अभी टॉस होगा, देखते हैं टॉस कौन जीते। लेट्स गो गाइस, टाइम बहुत कम है, मुकाबला बड़ा सख्त है। घर पहुंच चुका हूं जी, अभी टॉस नहीं हुआ, वहां पे बारिश हो रही है न्यूयॉर्क में और अंपायर्स अभी आ रहे हैं इंस्पेक्शन करने के लिए। उम्मीद है अगले 15-20 मिनट में टॉस होगा और देखते हैं कि टॉस कौन जीतता है और किसकी पहले बैटिंग आती है, किसकी पहले बॉलिंग आती है। बारिश हो रही है, दो दफा अंपायर इंस्पेक्शन कर चुके हैं लेकिन बारिश बड़ी जबरदस्त हो रही है। पता नहीं मैच होता नहीं, मैंने लगी है भूख और मैं अपना खाना शुरू कर लगा। दही भले बनाए ने, नाल असी बनाया चिकन कढ़ाई जबरदस्त किस्म की, रोटी पकड़ा यार। असी खाना शुरू करते हैं, मैच होएगा तो मैच तुम्हें दिखावे, मगर मैं कि दिखाना खुद ही मैच देख लेना। असी सिर्फ तबसरा करेंगे मैच का और इंजॉय करेंगे मैच थोड़े नाल। दुआ तो ही है कि बारिश होती रहे और पाकिस्तान की जी है ना इसी बिस्ती बच ही जाए। मैंने यकीन है कि मैच शुरू हो तो पाकिस्तान ने मैच हार जाना, लिहाजा खाना खाने। दुआ करने का बारिश होती है न्यूयॉर्क अल्लाह दिन मत अमृत दी रहे ताकि मैच ना हो सके, नहीं तो इंडिया ने बड़ा मानना सकू। मैंने बड़ा डर लग रहा है, थोड़ी मैं खाना खा रहा, मैच जाकर तैयारी और बेहतर हो सके। दही भले ट्राई करते हैं, दही भले मैं खाने लगा दो महीने बाद, लास्ट टाइम खाते हैं रोजे में, उस बाद अच्छ खाने का मौका मिले है। ओकेजन ही सिर्फ दी है कि दही भले मैं क्या लाजम बनाना, बड़ा मजा आएगा। अदे भले ट्राई कर दसें किस तरह बने ने, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दही भले खा के मैनू लाहौरी फील आ रही है, प्योर लाहौरी दही भले बने ने। दुआ करते हैं कि जब बाबर आजम है कुछ रंस करे और लाहौर की जी याद हो क्रिकेट दू भी ताज़ा हो जाए। अस ट्राई करते हैं चिकन भी, चिकन भी अस बनाया। चिकन भी ट्राई करते हैं असं, अज थोड़े जी ना लाहौरी टच लैके आए हैं, बट कढ़ाई का टाइप चिकन बनाया, ट्राई करते हैं चिकन कैसा है। चिकन भी बेहतरीन बने, खाना शुरू करते हैं। उधर बारिश हो रही है, असं खाना शुरू करते हैं, भूख बड़ी लगी है, देखते हैं कि मैच तक ही बनता है। मैन ऑफ द मैच जड़े नु खाना खा रहे, की खा रहे हो? दही भले। फिर फाइनल वार जी की सूरत हाल है? इंशाल्लाह पाकिस्तान जी जी शहीद फर्स्ट ओवर जी सन अमन दा विकेट। मुझे उम्मीद नहीं है जी पाकिस्तान ने नहीं जीतना, सॉरी। कुर्बान हो जान पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह ताला। नहीं मेरी भी दुआएं हैं लेकिन उम्मीद बड़ी कम है। चले अल्लाह ताला बरकत दे इंशाल्लाह। उई नो लव सन। अक्षर पटेल को नंबर 4 पे। अब देखते हैं कि अक्षर भाई क्या करते हैं आज, अल्लाह करे आउट जाए पहली बॉल पे। ना सफर हो गया जी पाकिस्तान बॉलने के, इंडिया के सिर्फ 3 आउट में एक दो चांस मिले लेकिन पाकिस्तान टीम ने ड्रॉप कर दिए। पाकिस्तान ने बहुत गलती की फील्डिंग में, उम्मीद करता हूँ मेरे 10 ओवर में ऐसी गलती नहीं करेंगे। अभी चाय पी रहे हैं, थोड़ी बहुत हम भी अपनी जो है वो थकावट उतार रहे हैं, खिलाड़ी तो बहुत थक चुके हैं, वो ड्रिंक पी रहे हैं, हम भी साथ में चाय इंजॉय कर रहे हैं। तो जी इंडिया की बैटिंग हो चुकी है ख़त्म, इंडिया ने सिर्फ बनाए 120 रन। जी हाँ, सिर्फ 120 रन का टारगेट दिया पाकिस्तान को। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए। आधे मैच ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान इस मैच में क्लियर फेवरेट्स हैं। मुझे उम्मीद है कि बाबर और रिजवान थोड़ा बहुत पिच पे टाइम गुजारेंगे, कंडीशंस को रीड करेंगे और पाकिस्तान जी मैच इंशाल्लाह इंशाल्लाह जीत जाएगा। नसीम शाह ने, हारिस अफ ने, मोहम्मद आमिर ने, शहीन अफरीदी ने, माद ने बॉलिंग सब ने अच्छी की है लेकिन एक गिला भी मिलेगा पाकिस्तान टीम से और बाबर आजम से। कप्तानी में थोड़ा सा मसा नज़र आया और उसके अलावा जो फील्डिंग है ना, फील्डिंग बहुत ही मायूस कर रही है। यानी कि मेरे ख्याल में ये रन 90
95 भी हो सकते थे, लेकिन हमने जो 20 टन इनको एक्स्ट्रा दिए हैं ना, ये कि हमारे गले ना पड़ जाए। अभी ब्रेक है 10 मिनट की, कुछ खाना वाना भी खा लेते हैं, थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं। काफ़ी इंटेंसिव मैच रहा पिछले 1.5 घंटे में, बारिश हुई रुकी, फिर बारिश हुई फिर रुकी। आपसे मुलाकात होगी सेकेंड इनिंग्स के बाद। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और बाबर और रिजवान अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे और पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। पाकिस्तान को 2 पॉइंट्स मिलेंगे। पाकिस्तान के लिए 2 पॉइंट्स इस टूर्नामेंट में बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली पाकिस्तान ने जो USA से मैच हारा है, पाकिस्तान को ये मैच लाजम जीतना है। आधी जॉब पाकिस्तान की डन हो चुकी है, अभी आधी जॉब बाकी है बैटिंग में। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बॉयज़ अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और पाकिस्तान ये मैच जीतेगा इंशाल्लाह। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, अफसोस कितना सदा बड़ा बड़ा मैच पाकिस्तान हार गया, और यकीन जानो यकीन नहीं हो रहा, यानी कि 120 रन 20 ओवरेज नहीं बन सके। और मैनू तो यकीन जानो कोई पता नहीं क्यों दिमाग बिल्कुल काम करना बंद हो गया, कोई समझ नहीं आ रही कि बंदा की तबसरा करे, की गल करे, की गल ना करे। लेकिन इस स्टैंडर्ड से 120 रन तो बनने चाहिए सन। इस जाती है तमाम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, तमाम पाकिस्तानी क्रिकेट सपोर्टर वेल विशन नाल कि तुसी इतनी अच्छी बॉलिंग करके और तुसी इतनी गंदी बैटिंग की है कि जिदी मिसाल नहीं मिलती। सो डिसअपॉइंटिंग, बड़ा बड़ा मैच से, इतना मज़ा आ रहा है न्यूयॉर्क, पहली दफ़ा पाकिस्तान इंडिया खेल रहे हैं, इस तो वड्डा मैच की हो सकता है T20 वर्ल्ड कप है, और पाकिस्तान ने मैच लाजम जितना सी USA को हारने तो बाद। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान नहीं मैच जीत सकिया। हूँ तुम जिनी मर्जी गल कर लियो, ए सही हो सही नहीं होया, और थोड़ा सब दाग है, मेरा भी आके, लेकिन मेन चीज़ है कि पाकिस्तान मैच आ गया। 2 पॉइंट इंडिया के खाते चाहे पाकिस्तान के खाते नहीं है। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट तो मेरे ख्याल बाहर हो गया, बल्कि हो जाना भी चाहिए। इतनी बुरी क्रिकेट खेल रहे तो अगले राउंड ना जा सकते, अगली टीम जी अच्छी खेल रही ने और डिजर्व करते नहीं कि अगर जा। लिहाजा और पाकिस्तान मैच आ गया, बड़े अपसैट हाँ, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग हाँ, बिल्कुल भी कोई मज़ा नहीं आ रहा यानी कि किसी भी चीज़ का। तो सारा संडे जरा इतना बिल्डअप से, इतना मज़ा आ रहा है दिन और बड़ी और शाम जी है ना, यह बड़ी अजबोगरी गुजरने वाली है। बहरहाल की कह सकते हैं, साढ़े हाथ से कुछ नहीं सी, दुआ की सपोर्ट किया टीम को, टीम ने अच्छा खेल सकी, इंडिया ने अच्छा खेडिया, उन्हें प्रेशर हैंडल किया, मैच जीत गए ने। तो चलो हम अस कह सकते हैं, तो असं फिर विलॉग को खत्म करते हैं बड़े इस अफसोस के नोट पर। तो थोड़ा इंशाल्लाह दोबारा किसी विलॉग में मुलाकात करेंगे। तुम मेक श्योर सर चैनल लाइक करो, सबसक्राइब करो और कमेंट अपनी फीलिंग का इजहार करो कि थोड़ा दिन कैसे गुजरे, थोड़ा मैच कैसा लगे, कि गलती सी की हो सकते। तो चलो अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।